नेक्स्ट मैच द कॉलम। अब यहाँ पे आप फर्स्ट जो सूची में देख रहे हैं लिस्ट में, ये रेल मार्ग है और ये रेल मार्ग जोड़ने वाले स्थान है। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग को जोड़ने वाला स्थान है पेरिस से वारसा तक। ट्रांस एंडिज रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स से वाल पैरोस तक जोड़ता है। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग लेनिन ग्राद से ब्लाडिवोस्ट तक रेल मार्ग है ये जोड़ता है। ओरिएंटल एक्सप्रेस को जोड़ने वाला स्थान है पेरिस से इंस्ताबुल। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन है? नहर स्वेज नहर, आंसर होगा स्वेज नहर। टोक्यो, शंघाई, रॉटरडम तथा लंदन में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? पोताश्रय पूछ रहा है, आंसर होगा शंघाई। कहाँ पे है? चीन में। वेनेजुएला के किस एक पत्तन नगर को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया जा रहा है? आंसर होगा मरकैबो। अलेक्जेंड्रिया किस देश का समुद्र पत्तन है? आंसर होगा मिस्र का समुद्र पत्तन है। कौन सा एक बंदरगाह काफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा सेंटोस। कहाँ पे है? ब्राज़ील में। पोर्ट डायमंड कहाँ पे अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। विश्व में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाले तीन देश कौन से हैं? यूएसए, भारत एवं चीन। एशिया में प्रथम तथा विश्व में तृतीय वृहत्तम रेलवे प्रणाली कौन सी है? आंसर होगा भारतीय रेलवे प्रणाली। नेक्स्ट, निश्चित मार्गों पर चलने वाली समुद्री जहाजों को क्या कहते हैं? आंसर है कार्गो लाइनर कहते हैं। अधिकांश समुद्री मार्ग वृहत्तम वृत्त का अनुसरण क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर स्थानों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। नेक्स्ट, नियाग्रा प्रपात किन झीलों के मध्य है? किन झीलों के मध्य स्थित है? तो ये इरी एवं ओंटेरियो के बीच है। कौन सा जलमार्ग विश्व का व्यस्तम जलमार्ग है? आंसर होगा राइन नदी जलमार्ग विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग है। स्टुअर्ट किस देश का महामार्ग है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया का। किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में अभिहित किया जाता है? आंसर होगा राइन नदी मार्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पत्तन आंत्रेपो यानी इंटरपोर्ट पोर्ट्स तथा पोर्ट ऑफ कॉल दोनों का गुण रखता है? आंसर होगा सिंगापुर पत्तन। नेक्स्ट, हांगकांग किस प्रकार का पत्तन है? ये आंत्रेपो पत्तन है, इंटरपोर्ट पोर्ट्स। यूएसए का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आंसर होगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी शेल सुरंग यानी रॉक ट्यूनल कहाँ पे स्थित है? आंसर होगा अमेरिका में स्थित है। ये डेलावरे एक्वेडक्ट में है और इसकी लंबाई है 137 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, एंटी पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है? आंसर होगा इससे तात्पर्य है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। विश्व का सबसे बड़ा पोत विखंड यार्ड कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में है, गुजरात के अलंग में। कजान, ओमस्क, सोची और चिता में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारीय है? आंसर होगा सोची है। अब अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा वन एवं मृदा टॉपिक से। वन और मृदा के बारे में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इन 30 वर्षों में वो प्रश्न अब आपको मिलने वाले हैं। ब्राज़ील में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आंसर होगा सदाबहार वर्षा वन। अयनवर्ती वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? कांगो घाटी में। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं? विषुवत रेखा के पास। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? उष्णकटिबंधीय वन की। चीन, भारत, जापान एवं इंडोनेशिया में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? आंसर होगा जापान में। कौन सा एक देश विश्व में ईंधन कास्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत ईंधन कास्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कथन है, मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्तीय उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकीय निकाय होते हैं। कारण है, वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा
सीमा उल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं, सीमा उल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन कारण कथन का एक ही सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी का लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? आंसर होगा कनाडा। डेलबर्जिया, डेलबर्जिया जाति काजू चाय कॉफ़ी एवं शीशम में से किस एक से संबंधित है? आंसर होगा शीशम से संबंधित है डेलबर्जिया जाति। कथन है, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण है, जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो कथन और कारण दोनों ही सही है, कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। मैच द कॉलम, इमारती लकड़ी है और ये इमारती लकड़ी किस देश में है? देवदार लकड़ी कनाडा में होती है, डगलस फर मैक्सिको में, महोगनी होंडुरास में और सागौन लकड़ी म्यांमार देश में है। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण वो प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। मृदा निक्षालन बड़ी संख्या है। आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश में। नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? आंसर होगा अम्लीय मिट्टी। नेक्स्ट, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? आंसर होगा मूंगफली। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? आंसर होगा एक ही साथ दो फसल। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा मानव जनजातियों से। क्वेश्चन है, बुद्धिमान मानव कौन है? आंसर होगा होमो सैपियंस, जो कि मानव है, मानव का साइंटिफिक नेम है। ग्राफिक टेलर द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या था? आंसर होगा बालों की बनावट एवं खोपड़ी सूचकांक। नेक्स्ट, किस प्रजाति की चमड़ी का रंग पीला होता है? मंगोलॉयड का रंग जो है वो पीला होता है, चमड़ी का रंग मंगोलॉयड प्रजाति का। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासी किस प्रजाति से संबंधित हैं? आंसर होगा मंगोलॉयड प्रजाति से संबंधित है। कौन सी आदि मानव अपने आश्रय के लिए क्रॉल मतलब घास से निर्मित निवास है, क्रॉल का उपयोग करती है? आंसर होगा मसाई वांदू और जुलू। नेक्स्ट, कॉकेसाइड प्रजाति के लोग सर्वाधिक कहाँ पे मिलते हैं? यूरोप में। पिग्मी निवासी है कहाँ की? अफ्रीका की। अफ्रीका के मूल निवासी पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? आंसर होगा कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम है, ये जो आप देख रहे हैं ये नृजातीय समूह है और ये नृजाति समूह किस देश में है? यहूदी नृजाति समूह इसराइल में होते हैं, टेडा लीबिया में, बेजा मिस्र में, लूर ईरान में। नेक्स्ट, जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। ऐसी जातियों को क्या कहते हैं? आंसर होगा ऐसी जातियों को मूलाधार कहते हैं, मूलाधार जातियां, की स्टोर। नेक्स्ट, एस्किमो निवासी है कहाँ की? कनाडा के निवासी हैं एस्किमो। सीमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? आंसर होगा मलेशिया के। जुलू एक जनजाति है, इसका संबंध किस देश से है? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के। मैच द कॉलम, ये जनजाति है और इनका देश और क्षेत्र है, शेरपा जनजाति नेपाल में है, थारू जनजाति भारत में है, भारत के उत्तराखंड क्षेत्र में, अब इस बॉक्स में आप विश्व में सर्वाधिक ऊंचा लंबा गहरा बड़ा और छोटा व प्रथम देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ऊंचा सड़क पुल कहाँ पे है? डुगे बेयान जियांग पुल चीन में बेयान नदी के ऊपर है, इसकी ऊंचाई है 565 मीटर। ठंडा प्रदेश है वोस्टाल अंटार्कटिका में। तो पहले आप इस साइड देखिए, गहरी झील है, ये कई बार पूछा है,
गहरी झील है बैकाल झील जो कि साइबेरिया में है। ऊंचाई पर अवस्थित झील है टिटिकाका जो कि बोलीविया व पेरू में है। ऊंचा पठार है पामीर का पठार। ऊंचा बांध है जिनपिंग, इसकी ऊंचाई है, ये चीन में है, ऊंचाई है 305 मीटर। बड़ी सिंचाई परियोजना है द ग्रेट मैन मेड रिवर GMR लीबिया में। कलेश्वर परियोजना, द ग्रेट मैन मेड रिवर कलेश्वर परियोजना भारत में, ये 2018 में। बड़ी खारे जल की झील है कैस्पियन सागर रूस में है। बड़ी ताजे जल की झील है सुपीरियर झील जो कि अमेरिका में है। बड़ी नहर है बाल्टिक वाइट सागर जो कि रूस में है, और ये सब कई बार पूछे जा चुके हैं। बड़ी डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है। बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा द्वीप है एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप है। छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लंबा महाद्वीप है भारत का। बड़ा प्रायद्वीप है, सॉरी महाद्वीप बोल दिया मैंने, लंबा प्रायद्वीप की बात हो रही है। बड़ा महाद्वीप तो एशिया है, छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, लंबा प्रायद्वीप कौन सा है? प्रायद्वीप भारत है। बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप है। बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। विशालतम द्वीप समूह इंडोनेशिया का है। बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान जो कि अफ्रीका में है। ऊंचा पर्वत चोटी है एवरेस्ट का पर्वत जो कि आप लंब इसकी ऊंचाई जानते हैं आप, 8848 मीटर है। ऊंची पर्वत की श्रेणी है हिमालय पर्वत श्रेणी। लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका में है। विशालतम अंतर्देशीय सागर है भूमध्य सागर जो कि रूम सागर है। अफ्रीका का ऊंचा पर्वत शिखर है किलिमंजारो, कई बार पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोप का ऊंचा पर्वत शिखर है एल्ब्रूस जो कि काकेशस में है। ऊंचा ज्वालामुखी है कोटापैक्सी जो कि इक्वाडोर में है। जागर ज्वालामुखी है मोनोलोवा, ये हवाई द्वीप है। ठंडा प्रदेश है वोस्टाल। अब ठंडा प्रदेश की बात हो रही है तो ये अंटार्कटिका में है। सूखा प्रदेश है डेथ वैली, कहाँ पे है? अमेरिका में। लंबा दिन सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी रेगिस्तान जो कि मंगोलिया में है। सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर। गहरा सागर है डेथ सी। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मानसिनराम में होती है। मानसिनराम कहाँ पे है? भारत के मेघालय में है। ऊंची सड़क है लेह मनाली रोड। सबसे लंबी व गहरी रेल सुरंग है गोठार्ट सुरंग, इसकी लंबाई है 57.1 किलोमीटर लंबी है, और ये स्विट्जरलैंड में है। पर्वत में लंबी रेल सुरंग है होशिमी जू सुरंग, 22 किलोमीटर लंबी है, ये जापान में स्थित है। लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर का, उत्तर प्रदेश में है। बड़ा रेलवे स्टेशन है ग्रैंड सेंटर टर्मिनल जो कि न्यूयॉर्क में है। सबसे लंबा रेल मार्ग है, कई बार पूछा है रेल मार्ग, सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, 9322 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर है क्रूगर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका में है ये। सबसे बड़ा अजायब घर कौन है? बड़ा अजायब घर अमेरिका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है न्यूयॉर्क में। बड़ा पुस्तकालय है नेशनल कीव पुस्तकालय मास्को में, और कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन में। बड़ा हीरा है कुलीनान, 1 पौंड वजन का होता है ये। बड़ा पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में। बड़ा गुंबद है एस्ट्रोडोम टेक्सास में, अमेरिका में है। बड़ा महल है वेटिकन सिटी जो कि इटली में पोप का महल है। गर्म प्रदेश है सबसे ज़्यादा जैकोबाबाद पार्क में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है टोक्यो जापान। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या का देश है भारत। सबसे ज़्यादा निर्वाचक संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? भारत में। अब बढ़ते हैं आगे, विश्व के प्रमुख दिवस है किस दिन क्या मनाई जाती है? 22 मार्च को जो कि कई बार पूछा है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 26 मार्च को बांग्लादेश मुक्ति दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस है। 1 मई को मई दिवस मनाई जाती है, और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इसको बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी है ये, मई दिवस बोलते हैं इसको। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस है। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस है।
23 जून को विश्व विधवा दिवस मनाई जाती है, 11 जुलाई जो कि कई बार पूछा है विश्व जनसंख्या दिवस होता है, 1 अगस्त को नवजात शिशुओं के लिए विश्व स्तनपान दिवस है, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस है, 8 सितंबर को कई बार पूछा है विश्व साक्षरता दिवस है, 13 सितंबर को विश्व भाईचारा दिवस है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस है। ये स्टार वाले पे ज़्यादा फोकस है आपका क्योंकि कई बार पूछे जा चुके हैं ये। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस है, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस है, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाई जाती है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस है, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। बढ़ते हैं आगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापना एवं उनका हेडक्वार्टर को आप जानेंगे, जो कि वन डे के एग्जामिनेशन के साथ हर परीक्षा में एक दो क्वेश्चन इसमें आ ही जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा जूम कर करके मैं दिखाती हूँ, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। UNO में सदस्य हैं 193। UNO का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, कहाँ पे है मुख्यालय, न्यूयॉर्क में, और UNO को 2001 का शांति नोबेल पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई है, इसका मुख्यालय हेग में है नीदरलैंड में। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई है, कई बार पूछा है, इसमें सदस्य देश हैं 193 कितने सदस्य हैं यूनेस्को में, 193 हैं, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना 1919 में हुआ है, इसमें सदस्य हैं 187, इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 1969 का शांति नोबेल पुरस्कार मिला है ILO को। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का स्थापना 1945 में हुई थी, इसमें सदस्य हैं 194, मुख्यालय है रोम इटली में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना 1948 में हुई है, WHO में 194 मेंबर हैं, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना 1945 में हुई है, कई बार पूछा है, इसमें मेंबर है 189, मुख्यालय है वाशिंगटन में, वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFS स्थापना 1956 में हुई है, 185 मेंबर है इसमें, वाशिंगटन इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा यानी IAEA का मुख्यालय वियना में है ऑस्ट्रेलिया में, इसका स्थापना हुआ था 1957 में, इसमें मेंबर है 171। संयुक्त राज्य औद्योगिक विकास संगठन यानी UNIDO का स्थापना 1966 में हुई है, 170 सदस्य हैं, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO का स्थापना 1944 में हुई है, 193 इसमें सदस्य हैं, मॉन्ट्रियल इसका मुख्यालय है। वियना ऑस्ट्रिया IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन जो है यानी IAEA, इसको 2005 का शांति नोबेल पुरस्कार मिला है। विश्व डाक संघ यानी UPU, ये IAS में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसकी स्थापना हुई थी 1874 में, 192 इसमें सदस्य हैं, इसका मुख्यालय है बर्न स्विट्जरलैंड में। ITU यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 1865 में हुई है, 193 सदस्य हैं, जिनेवा में मुख्यालय है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO 1950 में स्थापना हुई है, 193 सदस्य हैं, जिनेवा में मुख्यालय है इसका। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की तो बात हो गई, जिनेवा में मुख्यालय है इसका, ITU का भी जिनेवा में मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO का 1948 में स्थापना हुई है, 174 इसमें सदस्य हैं, लंदन में इसका मुख्यालय है।
यूनिसेफ 1946 में इसकी स्थापना हुई है, न्यूयॉर्क में इसकी इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर। यूएनडीपी यानी संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम 1965 में स्थापना हुई है, 188 देश है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। वीपो यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 में इसकी स्थापना हुई है, 192 इसमें मेंबर हैं, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। विश्व विकास बैंक यानी IBRD का 1945 में इसका स्थापना हुआ है, 189 इसमें मेंबर है, वॉशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी ITA की स्थापना 1960 में हुई, 174 मेंबर है इसमें, वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन 1995 में इसका स्थापना हुआ है, ये सब कई बार पूछे जा चुके हैं। 164 इसके मेंबर हैं, जिनेवा इसका मुख्यालय है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की स्थापना 1946 में हुई है, आधुनिक का 1949 में हुई है, 53 इसमें मेंबर हैं, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। अरब लीग की स्थापना 1945 में हुई है, 22 मेंबर है इसमें, काहिरा मिस्र इसका हेडक्वार्टर है। आसियान की स्थापना 1967 में हुई है, कई बार पूछा जा चुका है, 10 इसमें मेंबर, आसियान में 10 मेंबर होते हैं, आप सभी को मालूम होगा। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, जकार्ता कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो 1949 में इसकी स्थापना हुई है, नाटो की 29 इसमें मेंबर है, नाटो के मेंबर 29 हैं, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ADB एशियाई विकास बैंक का 1966 में स्थापना हुआ है, 68 इसमें मेंबर हैं, मनीला इसका हेडक्वार्टर है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, 1923 में इसका स्थापना हुआ है, 194 इसमें देश हैं और लियोन इसका हेडक्वार्टर है, फ्रांस में है। रेड क्रॉस में 190 मेंबर हैं, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ICRA इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रॉस का स्थापना 1863 में हुई है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ऑफ रेड क्रिसेंट सोसाइटी यानी IFRC का स्थापना 1919 में हुआ है। IMO को इसमें तो 1948 में इसकी स्थापना हुई है। यूनिसेफ को 1965 का शांति नोबेल पुरस्कार मिला है। रेड क्रॉस को 1917, 1944, 1963 का शांति नोबेल पुरस्कार मिला है, कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब अगले ब्रैकेट में हम विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 नगर कौन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले विश्व स्तर पे। टोक्यो में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, हज़ारों में है, यहाँ पे टोक्यो में 37,468,000 लोग है 2018 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। दिल्ली में, उसके बाद भारत के दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या है, कितना, 28,514। और उसके बाद तीसरे नंबर पे संघाई है चीन, साओ पाउलो चौथे स्थान पे है, ब्राज़ील में है, मैक्सिको सिटी, काहिरा, मुंबई, बीजिंग, ढाका, और दसवें पे है ओसाका जापान का। विश्व के शीर्ष 5 नगरीकृत देश, मतलब यहाँ पे ग्रामीण बस्ती नहीं है, ग्रामीण लोग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शहरी क्षेत्र है, तो 5 हैं, हांगकांग, मकाऊ, मोनाको, नौरू, सिंगापुर, एंगोइल, बरमुडा, कुवैत, जिब्राल्टर, होलिसी, सेंट मार्टिन और कैमन आइलैंड। इन सारे ही जगहों पर नगरीय क्षेत्र है, मतलब नगरीकृत जगह है ये, यहाँ पे नगरीकरण की बात करें तो 100% नगरीकृत जगह है। दूसरे स्थान पे है रेउनियोन 99.6, और बाकी जो बचे परसेंट है वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है। फिर कतर है, फिर बेल्जियम है, और फिर सैन मोरिनो है। बढ़ते हैं आगे, टोडा कहाँ पे है, दक्षिण भारत में है, एनु जापान में, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल है, खिर्गिज मध्य एशिया में, पापुवांस न्यू गिनी में, सेमांग मलेशिया में, ये पर्वतीय क्षेत्र में है, सकाई है मलाया प्रायद्वीपों के वनों में, किर्गिज है मध्य एशिया में। मसाई कहाँ पे है, पूर्वी अफ्रीका में है।
रेड इंडियंस कहाँ पे हैं? उत्तरी अमेरिका में है रेड इंडियंस, ये सारे लोग हैं। कजाक, मसाई, लैरस कैसी, कहाँ लैरस कैसी जनजाति, कैसी जनजाति है ये? घुमक्कड़ जनजाति हैं। कुदिस लोग सोवियत संघ के किस भूतपूर्व भाग में रहते हैं? आंसर होगा आर्मीनिया। इनुइट लोग कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कनाडा, डेनमार्क जो कि ग्रीनलैंड में है, रूस और अमेरिका में, अमेरिका के अलास्का में। नेक्स्ट, जनजातियों तथा उनसे संबंधित क्षेत्र का सही सुमेलन है ये जनजाति हैं और ये उनसे संबंधित देश हैं। पिग्मी जनजाति कॉन्गो बेसिन में पाए जाते हैं व गैवोन और युगांडा, युगांडा में। बुशमैन जनजाति नामीबिया में पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर हैं। बगदाद जो कि इराक में है, ये टिग्रिस नदी के किनारे है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, ये स्वान नदी के किनारे है। अस्वान नील नदी के किनारे है। रोम टाइबर के किनारे है, ये यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कई बार। पेरिस सीन नदी के किनारे है, आईएएस का क्वेश्चन है ये। प्राग जो कि चेकोस्लोवाकिया में है, ये वल्टावा नदी के किनारे है। खारतूम नील नदी के किनारे है। काहिरा नगर नील नदी के किनारे है। अंकारा नगर किजिल के किनारे है। लिवरपूल नगर मर्सी के किनारे है। बेलग्रेड डेन्यूब के किनारे है। वॉशिंगटन ये पोटो पोटोमेक नदी के किनारे है। टोक्यो नगर अराकाव नदी के किनारे है। रंगून नगर इरावदी नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। लिस्बन टैगूस नदी के किनारे अवस्थित है। डबलिन लीफे नदी के किनारे है। चटगांव मयानी नदी के किनारे है। हैमबर्ग एल्वे नदी के किनारे है। बसरा डजला और फरात नदी के किनारे है। बर्लिन सिप्री नदी के किनारे है। वारसा विस्चुला नदी के किनारे है। सेंट लुइस मिसिपी नदी के किनारे है। मिसिसिपी नदी के किनारे है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। मास्को नगर जो कि रूस में है, ये मोस्कवा नदी के किनारे है, उसके नाम पे ही ये नगर पड़ा। वोन राइन नदी के किनारे है। हांगकांग यांग टिसिक यांग नदी के किनारे है जो कि चीन में है। ब्यूनस आयर्स लापलाटा नदी के किनारे है। डुंडी टे नदी के किनारे है। कोलोन जो कि जर्मनी में है, ये राइन नदी के किनारे है। बूडापेस्ट डेन्यूब नदी किनारे है। वियना डेन्यूब नदी किनारे है। संघाई यांग टिसिक यांग के किनारे हैं। ओटावा सेंट लॉरेंस नदी किनारे है। मैड्रिड जो कि स्पेन में है, ये मंजनारेस नदी किनारे है। कराची सिंधु नदी किनारे है। दिल्ली यमुना नदी किनारे है। शिकागो शिकागो नदी किनारे है। बिस्टर एमन नदी किनारे है। लाहौर रावी नदी किनारे है। डेजिंग विस्टुला नदी के किनारे स्थित है। लेनिनग्राड नेवा नदी किनारे है। बैंकॉक जो है ये मेनाम नदी किनारे है। हनोई लाल नदी किनारे है। रेड रिवर ये आईएएस के क्वेश्चन में कई बार आईएएस में पूछा जा चुका है यूपीएससी में। संघाई हुआंगपू नदी किनारे है। कीव निपर नदी के है। राडम राइन नदी किनारे है। ब्राजविले जाइरी नदी के किनारे स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। विश्व के प्रमुख संप्रदाय की प्रतिशतता है ये, कौन से धर्म कौन सा संप्रदाय कितना प्रतिशत है, 100% में बात होती है तो ये धर्म है, ये प्रतिशत है। कुल ईसाई कितने प्रतिशत हैं? 32% है। ईसाई संप्रदाय 32% है, जिसमें से कैथोलिक 18.8 हैं 8%, प्रोटेस्टेंट 6.9% और अन्य 6.3% है। इस्लाम 23% है। हिंदू 15% है। बौद्ध 7%, सिख 0.4%, यहूदी 0.2%, बहाई 0.5, कन्फ्यूशियस 0.1, जैन है 0.06 और शिंतो है 0.05%। महाद्वीपीय कुल जनसंख्या में वार्षिक औसत परिवर्तन दर कितना है? महाद्वीपीय कुल जनसंख्या में वार्षिक औसत परिवर्तन दर है ये। उत्तरी अमेरिका में वार्षिक औसतन दर परिवर्तन है ये 2015 से 20 तक का है 0.65%। दक्षिण अमेरिका में कुल जनसंख्या में, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के कुल जनसंख्या में वार्षिक औसत परिवर्तन दर है 1.39%। यूरोप में 0.12%,
ओशेनिया में 1.37%, एशिया में 0.92% और अफ्रीका महाद्वीप में 2.51%। अब ये हैं भारत के पड़ोसी देशों में नगरीकरण कितना है। 2018 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है ये, मालदीव में नगरीकरण है 39.8%, बांग्लादेश में 36.6%, भूटान में 40.9%, भारत में 34% है, नेपाल में 19.7%, श्रीलंका में 18.5%, पाकिस्तान में 36.7%, अफगानिस्तान में 25.5% और चीन में नगरीकरण है 59.2%। अगर सबसे ज़्यादा नगरीकरण के बारे में बात करें तो चीन में है। अगला क्वेश्चन है, बद्दू कहाँ पे बद्दू हैं। बद्दू सऊदी अरब में है, मसाई टंगानिका व केन्या में, नार्डिक स्कैंडिनेविया, निग्रेटो दक्षिण पूर्व एशिया में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है कैसी, खासी, संथाली तथा मुंडारी। चिली, कोलंबिया, कांगो गणराज्य तथा क्यूबा में से किस एक की राज्य भाषा स्पेनिश नहीं है। आंसर होगा कांगो गणराज्य की भाषा स्पेनिश नहीं है। नेक्स्ट, कौन विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। आंसर होगा मंदारिन चीन में बोली जाती है और दूसरा अंग्रेजी भाषा, चीन की भाषा मंदारिन है। अगला प्रश्न है, एस्पेरांटो क्या है। यह विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज कौन सा मानव है। क्रोमैग्नॉन है। अब अगला टॉपिक है, अब विविध पढ़ेंगे आप विश्व भूगोल के और इसके साथ ही ये ख़त्म हो जाएगा और पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका जितने भी अब 30 वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। अधोलिखित सूची सुमेलित है यानी मैथ्स द कॉलम है। ये समुद्री यात्री हैं और ये किस देश के हैं और कौन से देश को इन्होंने खोजा। वास्को डी गामा पुर्तगाल के हैं, इन्होंने भारत की खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के हैं, इन्होंने अमेरिका की खोज की। कैप्टन कुक ब्रिटेन के हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की है समुद्री यात्रा के तहत। तस्मान हॉलैंड के हैं और ये इन्होंने तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की और नाम भी रखा। अगला प्रश्न है, भूगोल के जनक की उपमा किसे प्रदान की गई है। आंसर होगा इराटोस्थनीज को। किताब उल हिंद ये भारत का भूगोल है, ये किसकी सुप्रसिद्ध कृति है। आंसर होगा अलबरूनी की। आइसोजोनिक रेखाएं हैं, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। नेक्स्ट, आइसोबात दिखती है समान गहराई, सॉरी आइसोबात क्या दिखाती है, समान गहराई दिखाती है। नेक्स्ट, विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था, यूएसए में किया गया था। नेक्स्ट, येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है, आंसर होगा पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अब बढ़ते हैं आगे, अभी है सर्वाधिक पुरुष जीवन प्रत्याशा वाले देश अथवा अर्थव्यवस्थाएं 2017 में। हांगकांग ये जीवन भर जन्म पर जीवन अथवा प्रत्याशा है वर्ष में। हांगकांग जो कि चीन में है और स्विट्जरलैंड में जन्म पर जीवन प्रत्याशा है 82 वर्ष में। चैनल द्वीप, माल्टा, इजराइल, सिंगापुर, स्पेन, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, लिचेस्टाइन, मकाऊ कहाँ पे है, चीन में, और इटली यहाँ पे 81 है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कैमन द्वीप, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, कोरिया, रीप, फेरो, फ्रांस, आइसलैंड, नीदरलैंड्स और आयरलैंड में 80 है। भारत में 68 है, भारत का आपको आंकड़ा ध्यान रखना है 68 है। 2018 में शीर्ष घनत्व वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं और कौन सा राष्ट्र है 2018 के अनुसार। मकाऊ जो कि चीन में है, यहाँ पे जन घनत्व है 1410 प्रति वर्ग किलोमीटर। सिंगापुर में 1339 प्रति वर्ग मीटर। फिर हांगकांग है 324 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर जिब्राल्टर में जन घनत्व है 264, बहरीन में 209, मालदीव में 19 और विश्व की बात करें तो 75 है, 75 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है। आंसर होगा केप केनेडी अथवा केप कैनरवल में। मैथ्स द कॉलम है, अत्यधिक गर्म है सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा प्रदेश है ठंडा है बर्खोयास्क,
अत्यधिक वर्षा होती है मासिनराम में, अत्यधिक सूखा पड़ता है चिली में। विश्व का अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम पशुधन समष्टि है भारत में। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है इटली में। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वास्थ्य खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया है? आंसर होगा मैट काउरो ने नष्ट किया है। नेक्स्ट, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? थाईलैंड को। आसवान बांध नील नदी पर, स्टैनले बांध कांगो नदी पर, हुबर बांध कोलेरो नदी पर स्थित है। तो करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा जाम्बेजी नदी पर। कहाँ पे है ये? अफ्रीका में है। येलो ब्रुक फ्रांस सरकार का, ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का, श्वेत पत्र भारत सरकार का सरकारी दस्तावेज है। तो ग्रीन बुक किस सरकार का सरकारी दस्तावेज है? आंसर होगा इटली और ईरान का सरकारी दस्तावेज है। मैच द कॉलम, ये नगर है और इस नगर में कौन सी नदी है? खार्तूम नील नदी के किनारे है। ब्राजबिले में जेरे नदी है। राडम में राइन नदी है। पेरिस में सीन नदी है। सर्वाधिक महिला जीवन प्रत्याशा वाले देश हैं ये अर्थव्यवस्थाएं। जीवन प्रत्याशा मतलब वहाँ की अर्थव्यवस्था 2017 में हांगकांग, चीन, ये देश हैं। ये जन्म पर जीवन अथवा प्रत्याशा है वर्ष में। हांगकांग चीन में 88, जापान मकाऊ चीन में 87, कोरिया रीप स्विट्जरलैंड स्पेन फ्रांस और इटली में 86 है। लग्जमबर्ग इज़राइल बरमुंडा फेरा आइसलैंड सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया कैमन द्वीप और चैनल द्वीप में 85 है और भारत में कितना है? 70, वर्ष में 70। चलिए इसके साथ आज का सेशन और आपके पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी में जितने भी 30 वर्षों में प्रश्न पूछे गए थे वो कम्प्लीटली कवर होता है। मिलते हैं अगले सेशन में।